How to make a 24/7 Minecraft server for free in Eternos. हाँ गाइज, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे बना सकते हो एक फ्री में 24/7 सर्वर, वो भी अपने माइनक्राफ्ट में। आई नो, मैंने इसके ऊपर बहुत पहले वीडियो बनाई थी एंड आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे इस वीडियो के ऊपर। एंड लिटरली 5 महीने हो गए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ही नहीं बनाई, बट आज मैं आप लोग को एकदम फुल प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ फिर से कि आप लोग ऐसे 24/7 सर्वर कैसे बना सकते हो। एंड देखो, पिछले वीडियोज़ में ना आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट आज मैं आप लोग के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर वॉच करना, क्योंकि आज आप लोग को फाइनली पूरा का पूरा प्रूफ के साथ सब कुछ पता चल जाने वाला है आप लोग कैसे बना सकते हो एक 24/7 माइनक्राफ्ट सर्वर फॉर फ्री, वो भी Eternos में। एंड देखो, अगर आप लोग को Eternos नहीं पसंद ना, आप लोग सीधा चले जाना मेरे thunderlucky.com अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ मैंने आप लोग को बेस्ट माइनक्राफ्ट की सर्वर होस्टिंग्स बताई है जो कि फ्री है, एंड उनमें से कई तो 24/7 भी है, सो वहाँ भी चले जाना। सो बिना इन्वेस्ट करते हुए चलिए आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो मैं Eternos में आ चुका हूँ। यहाँ मैं जल्दी से एक नया सर्वर बना लेता हूँ आप लोग के सामने, एंड अगर आप लोग चाहते हो इसको रीनेम कर लेना या फिर इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज कर लेना, बट एक जावा एडिशन का ही सर्वर होना चाहिए। सो देख सकते हो मैंने एक जावा एडिशन का सर्वर क्रिएट कर लिया है, एंड अभी आप लोग को सिंपली चले जाना होगा यहाँ से सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में, जहाँ से आप लोग को सिंपली paper/bucket या फिर spigot का एक सर्वर बना लेना होगा, जिसकी मदद से ना आप लोगों के सर्वर में प्लगइन्स वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। सो देख सकते हो मैं paper/bucket का 1.19.2 वाला सर्वर बना रहा हूँ। इंटेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि आगे जाके अपन लोग इसमें वीए वाले प्लगइन्स लगा के इसको सारे वर्जन्स के लिए अनेबल कर देंगे, बट उससे पहले आप लोग को सिंपली ऑप्शंस में चले जाना होगा। एंड ये आप लोग को सिंपली स्लॉट्स को जितना कम है ना उतना आप लोग कम रखना, क्योंकि इसकी मदद से लैग फिक्स होता है, एंड आप लोग इसको सिंपली नॉर्मल कर लेना डिफिकल्टी को, एंड सबसे मेन सेटिंग आप लोग को क्रैक्ड ऑन करना है। सो देखो, इतना हो जाने के बाद आप लोग को जो चाहे वो बाकी का एडिट कर लेना, एंड अभी सिंपली चले जाना होगा प्लगइन्स ऑप्शन में। यह आप लोग को सिंपली सर्च कर लेना होगा विया। विया सर्च कर लेने के बाद आप लोग को सिंपली विया वर्जन एंड विया बैकवर्ड दो प्लगइन्स दिखेंगे, उन दोनों को लगा देना है। विया वर्जन की मदद से नए वाले वर्जन के माइनक्राफ्ट प्लेयर ज्वाइन कर पाएंगे, एंड विया बैकवर्ड की मदद से जो पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन के प्लेयर है वो ज्वाइन कर पाएंगे। ये अपन लोग को बहुत ज्यादा काम आने वाला है बॉट को इन्वाइट करने में, जो कि ना पुराने एंड नए माइनक्राफ्ट वर्जन के रहते। सो देख सकते हो विया बैकवर्ड एंड विया वर्जन मैंने इंस्टॉल कर दिया है। सो गाइस देखो, इतना इंस्टॉल कर देने के बाद आप लोग को सिंपली गीजर एमसी सिंपली सर्च कर लेना होगा, एंड या आप लोग को सिंपली गीजर एमसी दिख जाएगा। सो इसको भी आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है, जिसकी मदद से पॉकेट एडिशन या बेडरॉक एडिशन के जो भी बॉट्स या फिर प्लेयर्स होंगे ना वो आप लोग का सर्वर ज्वाइन कर देंगे, एंड उसके मदद से भी आप लोग का सर्वर 24/7 होने वाला है। सो देखो, ये तीन आप लोग को सिंपली प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेने होंगे, एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों के माइनक्राफ्ट सर्वर का काम खत्म हो चुका है, एंड अभी आप लोग को सिंपली सर्वर को स्टार्ट कर देना है। एंड अभी सबसे मेन काम आता है जो कि गाइस 24/7, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, बट देखो सर्वर बनाना भी इंपॉर्टेंट था। सो भी आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने सर्वर में बॉट को इन्वाइट करके अपने सर्वर को 24/7 ऑनलाइन कर सकती हूँ। सो सर्वर बन जाने के बाद आप लोग को सिंपली चले जाना होगा replit.com में, जहाँ से आप लोग को सिंपली लॉग इन कर लेना होगा अपने गूगल के अकाउंट से। सो देख सकते हो मैंने अभी यहाँ सिंपली लॉग इन कर दिया है, एंड देखो ये वाली ट्रिक ना बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इसकी मदद से आप लोग लिटरली 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी चाहे उतने माइनक्राफ्ट के 24/7 वाले बॉट्स को इन्वाइट कर सकते हो एंड उनको अप टाइम कर सकते हो। सो गाइस देखो, अभी मैंने सिंपली replit.com में लॉग इन कर दिया है, एंड अभी आप लोग को सिंपली यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में चले जाना होगा, एंड यहाँ आप लोग को सिंपली सर्च कर लेना है 24/7 NTFK बॉट, या फिर आप लोग सिंपली सर्च भी कर सकते हो माइनक्राफ्ट NTFK बॉट। कोई भी आप लोग कुछ भी सर्च कर लेना, आप लोग के सामने ना वो सारे के सारे बॉट्स आ जाएंगे। सो देख सकते हो इतने सारे बॉट्स अपन लोग के सामने आ चुके हैं, एंड देखो इनमें से ऐसा नहीं है कि हर कोई काम करने वाला है, कोई काम नहीं करते एंड कोई काम कर जाते। सो देखो आप लोग को ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब देखो आप लोग को अराउंड 1-1.5 घंटा लग जाएगा इन बॉट्स का सेटअप करने में, इनको अप टाइम करने में, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग का सर्वर 24/7 होगा। सो देखो, इतना हो जाने के बाद आप लोग जो भी बॉट पे क्लिक करते हो उसके आप लोग को सिंपली फोर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एंड यहां आप लोग को सिंपली फोर्क रैपल पे सिंपली क्लिक कर देना होगा, एंड थोड़ा सा आप लोग को टाइम लगेगा जब तक ये फोर्क होता है।
सो गाइस देखो जो पहला वाला बॉट था ना वही काम नहीं किया, इसमें नेक्स्ट बॉट पे आ चुका हूँ। सो देखो यार नेक्स्ट बॉट पे आने के बाद फोर क्रैपल पे सिंपली क्लिक कर देना होगा। एंड देखो अपना लिटरली 2 सेकंड के अंदर वो जो बॉट है ना वो फोर्क हो गया है। एंड देखो अभी इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली देखो ये मोबाइल से भी आप लोग कर सकते हो, पीसी से भी आप लोग कर सकते हो, एंड आप लोग ये लैपटॉप से भी कर सकते हो, मैं भी लैपटॉप से कर रहा हूँ। सो देखो अभी आप लोग को सिंपली settings.json में आ जाना होगा। एंड ये आप लोग को सिंपली अपने सर्वर की आईपी है ना उसको सिंपली कॉपी करके जो देखो नीचे आप लोग को आईपी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ना वो आप लोग को अपनी आईपी पेस्ट कर देनी है कुछ ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आप लोग को करना है, वरना कुछ अलग कर दिया ना बॉट ज्वाइन नहीं करेगा। सो देखो आईपी इतना लिख देने के बाद पोर्ट है ना वो सिंपली कट कर देना है एंड लास्ट में सिर्फ Eternos.me आ जाना चाहिए। सो देखो Eternos.me आ चुका है एंड देखो नीचे पोर्ट वाला ऑप्शन है, सो पोर्ट ना आप लोग को सिंपली वहां डाल देना है। एंड देखो जैसे आप लोग पोर्ट डालोगे ना उतना हो जाने के बाद आप लोग को सीधा क्लिक कर देना है इस रन वाली ऑप्शन पे। सो देखो जैसे मैं रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मैं भी आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, मैं भी जल्दी से मेरा सर्वर सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड अभी आप लोग देखना इस सर्वर में एक बॉट ज्वाइन करने वाला है। सो देख सकते हो एक प्लेयर ने ज्वाइन किया एंड ये देखो ये प्लेयर मैंने यू, देखो ये उस प्लेयर का नाम है ना H2N.DEV, ये ना उस बॉट का नाम है। एंड भी आप लोग देख सकते हो प्लेयर्स वाले ऑप्शन में जाके उस बॉट पे सिलेक्ट करके उसको ऑपरेटर बना देना है एंड उसको व्हाइट लिस्ट भी कर देना है ताकि Eternos उसको किक ना करे। एंड वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर वॉच करना क्योंकि देखो आप लोग को ना NTF के बॉट ना बहुत ही कम मिलेंगे, बट मैं आप लोग को AF के बॉट वाली भी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से अगर आप लोग AF के बॉट भी इन्वाइट कर सकते हो ना उसको अपन लोग NTFK में कन्वर्ट करके उसके बाद 24/7 अपना सर्वर रख सकते, एकदम कमाल की ट्रिक है। आज की वीडियो में सब कुछ बता देने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड ऐसे इतना हो जाने के बाद देखो आप लोग को सिंपली अभी वापस से क्रोम में आके अपटाइम रोबोट सर्च कर देना होगा। एंड ऐसे आप लोग को बहुत सारे अपटाइम रोबोट्स मिल जाएंगे। सो आप लोग को देखो क्या करना है कि देखो बहुत सारे आप लोग को फॉर कर देने मतलब बॉट्स को इनवाइट करके उनको बहुत सारे वेबसाइट्स में जैसे अपटाइम रोबोट हो गई एंड ऐसे बहुत सारी वेबसाइट से वो लॉगिन करके उनको अपटाइम कर देना होगा। सो यार मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ एंड देख सकते हो गाइस मैंने यार लॉगिन कर दिया है। एंड अभी आप लोग को सिंपली एड न्यू मॉनिटर पे क्लिक कर देना होगा। सो गाइस देखो इतना हो जाने के बाद मॉनिटर टाइप आप लोग को HTTPS कर देना है एंड URL आप लोग को सिंपली यार डाल देनी होगी। एंड देखो URL कौन सी डालनी है आप लोग को, देखो अगर आप लोग ने वीडियो अच्छे से देखी होगी ना ये URL अपन लोगों ने कॉपी किया था, सो इसको कॉपी करके आप लोग को वार्ड डाल देना होगा। एंड देखो इतना हो जाने के बाद जैसे आप लोग URL डालोगे ना आप लोग को सिंपली एक नेम भी सिलेक्ट कर लेना होगा जो कि आप लोग अपने मन से ना कुछ भी रख सकते हो। सो मैं सिंपली TLBot रख देता हूँ। एंड देखो नेम भी सिलेक्ट हो गया, अब मैं लोगों ने URL भी डाल दिया। अभी क्रिएट मॉनिटर पे क्लिक करके दो बार उस पर क्लिक कर लेना होगा एंड आप लोगों का मॉनिटर हो चुका है क्रिएट। एंड देखो ऐसा नहीं है कि ये हर बार काम करेगा, देखो अगर अपटाइम रोबोट्स वाले ट्रिक काम नहीं करती ना आप लोग को रेप्लेट वाले ट्रिक पे ही चलना पड़ेगा जिसकी मदद से 24/7 तो नहीं बट 7-8 घंटे तक वो रेप्लेट का बॉट रहेगा। बट वीडियो को एंड तक वॉच करना क्योंकि लास्ट में मैं आप लोग को एक और ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से रेप्लेट के बॉट को भी आप लोग 24/7 ऑनलाइन कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। वीडियो को एंड तक जरूर जरूर वॉच करना। सो देखो इतना हो जाने के बाद अभी आप लोग चाहे तो इसमें बहुत सारे मतलब देखो मैं तो कहूंगा कि आप लोग इसमें 7-8 बॉट्स को तो ऐसे इनवाइट करके रख देना एंड उसके बाद आप लोग अपनी आईपी शेयर कर देना प्लेयर्स के साथ एंड वो भी ज्वाइन करते रहेंगे। एंड देखो अभी मैं जल्दी से एक AFK वाला बॉट भी इनवाइट कर लेता हूँ जिसके मदद से आप लोग को मैं बता ही देता हूँ फाइनली कि आप लोग AFK बॉट को भी NTFK कैसे बना सकते हो। सो देखो अभी मैं सिंपली एक और AFK बॉट एंड एक NTFK बॉट दोनों हो जाएंगे और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा AFK बॉट को NTFK में कन्वर्ट करके अपने Eternos के सर्वर को 24/7 कैसे ऑनलाइन रख सकते हो। सो गाइस देखो मैंने मेरे सर्वर में 2 बॉट्स को सिंपली इनवाइट कर लिया है, एक AFK वाला है एंड एक NTFK वाला है। बट देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जैसे आप लोग यहाँ आओगे ना रेप्लेट के इसमें आप लोग को सिंपली फाइल्स वाले ऑप्शन में चले जाना होगा एंड यहाँ आप लोग को सिंपली फाइल्स वाले ऑप्शन में settings.json या फिर index.json या फिर config.json वाले ऑप्शन में ही आप लोग को आईपी पोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा एंड वही आप लोग को अपने सर्वर की आईपी एंड पोर्ट पेस्ट करनी है, बाकी जगह आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलने वाला। एंड देखो जो आप लोग को मैंने लिंक कॉपी करके अपटाइम रोबोट में पेस्ट करने बोली थी ना वो आप लोग को सिंपली वेब व्यू वाले ऑप्शन में मिल जाएगी जो कि PC मोबाइल लैपटॉप सब में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मैंने इसके ऊपर मोबाइल से भी वीडियो बनाई है, उसके लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट पहले ये वीडियो देख लेना। एंड अभी मैं चलता हूँ माइनक्राफ्ट में, एंड मैं आप लोग को पूरी की पूरी ट्रिक बताता हूँ। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं माइनक्राफ्ट में आ चुका हूँ एंड यहाँ मैं जल्दी से एक सर्वर ऐड कर लेता हूँ मेरा।
तो देखो मैंने अभी जल्दी से सर्वर ऐड करके भी ज्वाइन कर लिया है और अभी आप लोग देखना कि बॉट सच में एफके कर रहे हैं या फिर नहीं। तो देखो मैं अभी सर्वर में आ चुका हूँ एंड यहाँ रात हो रही है क्योंकि वो बॉट ने ना पहले से ज्वाइन करके रखा है। एंड देखो पहला बॉट तो मेरे को दिख भी गया, पहला बॉट है अपना ये वाला जो कि जंप कर रहा है, बट देखो सेकेंड वाला बॉट ना वैसे ही खड़ा है एफके। एंड अगर ये ज़्यादा देर तक एफके खड़ा रहता है ना एटरनोस इसको किक कर देगा। सो इसके लिए मैं भाई आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूँ। सो ये ट्रिक को ना एकदम ध्यान से देखना एंड इसको एफके एंड एंटी एफके दोनों बॉट्स पे अप्लाई कर देना भाई, रिस्क क्यों ही लेना है। सो देखो अभी आप लोग को क्या करना है कि जितने भी बॉट्स हैं ना उनको एक इफेक्ट देना होगा इस वाले कमांड से स्लैश इफेक्ट गिव, आगे आप लोग को बॉट्स के नाम डाल देंगे एंड उतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली सबसे पहले आप लोग को इफेक्ट देना है हेल्थ बूस्ट। एंड देखो उसका टाइम आप लोग को सिंपली इतना कर देना है जिसके मदद से वो टाइम ना इनफाइनाइट हो जाता है। एंड देखो जब तक वो ग्रीन में आते हैं ना नंबर तब तक आप लोग को देते रहना है एंड एक बार रेड आ गया ना तो आप लोग को समझ जाना है नहीं देना है। तो देखो अभी इनको हेल्थ बूस्ट भी मिल चुका है। सो देखो इनको भी हेल्थ बूस्ट देने के बाद इनको और एक इफेक्ट देना है जो कि गाइस इंस्टेंट हेल्थ। सो वही सेम कमांड फिर से डालना है स्लैश इफेक्ट गिव एंड वह बॉट का नाम लिख के इनफाइनाइट टाइम के लिए उनको दे देना होगा हेल्थ इंस्टेंट हेल्थ वाला इफेक्ट। देखो इतना हो जाने के बाद उन दोनों के दोनों बॉट्स को आप लोग को सिंपली ऐसा कैप्चर कर लेना होगा एंड कैप्चर कर लेने के बाद एक जॉम्बी को स्पॉन कर देना होगा ऐसे। एंड देखो ऊपर से भी आप लोग को कवर करना है ताकि जॉम्बी ना मरे। एंड देखो इसके मत से अभी आप लोगों ने देखा कि ये ना एफके बॉट था, मतलब ये सिर्फ एक जगह पे खड़ा रहता था, बट देखो अभी जैसे मैंने जॉम्बी को स्पॉन किया ना वो लिटरली उस वाले प्लेयर को मारने लगेगा, मतलब बॉट को मारने लगेगा। एंड देखो वो भी उछल रहा है एंड ये तो पहले एंटी एफके बॉट था सो ये भी उछल रहा है, बट रिस्क नहीं लेना है अपन लोग को इसलिए अपन लोग ना इस एंटी एफके बॉट को भी सेम टू सेम ऐसे ट्रैप करके उसको भी इफेक्ट दे के उसके यहाँ भी एक जॉम्बी स्पॉन करके उसको भी अभी और भी ज्यादा एंटी एफके अपन लोग बना देंगे। एंड ऐसे आप लोग का सर्वर ना ऑफलाइन नहीं जाने वाला क्योंकि देखो एटरनोस को लगेगा कि ये रियल प्लेयर से एंड वो इनको किक नहीं करने वाला क्योंकि ये मूवमेंट कर रहे, जो भी प्लेयर्स मूवमेंट करते ना वो एफके नहीं करते, मतलब ऐसा ही समझ लेना आप लोग। एंड अगर आप लोग चाहते हो और भी सेफ रहना सो इनको आप लोग समझिए रीजनरेशन वाला भी इफेक्ट दे के रखना एंड इसकी मदद से आप लोग फाइनली भी बना सकते हो 24/7 माइनक्राफ्ट का सर्वर। बट वेट, इतने जल्दी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी मैं आप लोग को एक और ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो आप लोग को सिंपली क्या कर लेना है, देखो आप लोग को वैसे ना बहुत सारे लेपलेट से बॉट को इनवाइट कर लेना है एंड उसके लिए आप लोग सिंपल एक ट्रिक का यूज करना जो कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सो देखो जैसे आप लोग रेपलेट के सर्च में जाते हो ना वो आप लोग को सिंपली फिल्टर्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पीसी एंड मोबाइल दोनों में देखने को मिल जाता है। सो आप लोग को सिंपली ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है एंड ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करोगे ना वो सर्च फिर से जरा रिफ्रेश होगी, जो भी आप लोग के सामने तब रिजल्ट आएंगे ना उसके सबसे ज्यादा चांसेस रहते कि वो वाला रेपलेट का बॉट वर्क करेगा। आई नो इसमें जरा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, बट एक बार हो जाने के बाद आप लोग का सर्वर 24/7 ऑनलाइन रहने वाला है। प्लस देखो आप लोग को ना ऐसे बहुत सारे अपटाइम रोबोट्स वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड आप लोग को ऐसे 4-5 अपटाइम रोबोट्स की वेबसाइट से अपने रेपलेट के बॉट को 24/7 कर लेना होगा। एंड अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता अपनी साइट भी है thunderslucky.com जो कि अपनी ऑफिशियल साइट है, सो आप लोग उस पर भी विजिट करना, वो आप लोग को ना एटरनोस के अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे जो कि लिटरली 24/7 भी ऑनलाइन भी है एंड वो एकदम फ्री है, वो एकदम फ्री माइनक्राफ्ट के सर्वर होस्टिंग भी मिलेंगे। प्लस आप लोग को एकदम प्रीमियम माइनक्राफ्ट के मॉड्स भी मिलेंगे जा प्लस पॉकेट दोनों के लिए। हम लोग आप लोग के लिए कस्टम मॉड्स भी बनाते हैं बट देखो पेड रहते हैं, सो अगर आप लोगों को कोई भी कस्टम मॉड या फिर डेटा पैक बनाना है ना तो आप लोग मेरे को सिंपली इस वाले मेल पे कांटेक्ट कर लेना, आप लोग के लिए हम कस्टम मॉड भी बनाएंगे। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर देना एंड पार्ट 1 के लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।